नमस्ते, मैं परवरी में हूँ और यहाँ उड़ते होटल है, वहाँ पे फिश थाली बहुत ही अच्छी मिलती है। तो इसके लिए सोचा और मेरा खाने का टाइम हो गया है तो मैंने ऑर्डर किया है स्पेशल फिश थाली। और इस थाली में है राइस, चपाती, फिश करी, तीसरे तो फिश मसाला, फिश अंबर टिक्का, तीसरे तो फिश सूखा सूखा भाजी विथ फिश मोल, सोल कड़ी सलाद एंड पिकल फिश फ्राई। वाओ, इतने सारे आइटम ये फिश थाली में हैं। आपको तो मालूम है फिश फेवरेट है, मेरे तो मुंह पे पानी आ गया है। अभी देखते हैं थाली आने के बाद कैसे हैं। यहाँ पर वेज थाली भी अवेलेबल है। वेज थाली में है राइस, चपाती, दाल, बटाटा भाजी, सूखा भाजी, सोल कड़ी सलाद, पिकल पापड़ एंड कापो। ओ कापो मीन बटाटा फ्राई। मैं तो नॉनवेज खाने वाली हूँ, लेकिन मेरे जो असिस्टेंट है ना वो नॉनवेज नहीं खाती, इसके लिए वेज खाने वाली। फिश के बाद मेरा फेवरेट है चिकन, तो मैंने चिकन कापो भी ऑर्डर किया। गोवा की स्पेशल रेसिपी है चिकन कापो। मेरी ऑर्डर आ रही है, तब तक देखती हूँ कि यहाँ और क्या क्या फेमस है। और देखो यहाँ पे बोमबिल रवा फ्राई है, किंग फिश रवा फ्राई है, और चोनक करके है, फिर लिपो रवा मसाला फ्राई, स्वीट रवा मसाला, मोटो। मेरा फेवरेट फिश है बांगड़ा, लेकिन आज मैंने मंगाया है किंग फिश। देखते हैं थोड़ा सा अलग फ्राई करके। ये है अमित जी, ये रेस्टोरेंट के ओनर है। अमित जी मुझे बताइए यहाँ पे लोगों की डिमांड क्या है, मतलब क्या आप कौन सा फिश चाहिए? फिश चनक जाता है, तीसरा सूखा स्पेशल है। अच्छा, तो हमारा रेस्टोरेंट का तीसरा स्पेशल फिश है और रेशत बांगड़ा करते हैं। हाँ वो तो मैंने बहुत सुना है, वो भी स्पेशल है। अच्छा, और नॉर्मली फिश के लिए लोग ज्यादा यहाँ पे आते हैं। और सोल कड़ी? सोल कड़ी भी है। अच्छा, और वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या है? वेजिटेरियन लोगों के लिए है, इसमें आपको पनीर में मिलेगा, अच्छा वेज कपड़ी भी मिलेगा। ओके ओके, वेज कपड़ी में क्या होता है? वेज कपड़ी में पत्ता मिक्स मस्ट का मिक्स होता है, और इंडियन का गोवन पुदीना और इसका धनिया का चटनी भी इसमें वो मिक्स करके जाने वाली नहीं हूँ अभी, मैं आपका फूड टेस्ट कर रही हूँ। रोटी को थोड़ा साइड में रखो, ये देखते हैं क्या है। प्रॉन्स ही इसमें डाला है और इसमें चने के आटे में कुछ मिक्स किए हैं। वाओ, किंग फिश ट्राई करते हैं। लास्ट फिश इतना फ्रेश है कि इसको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए देखते ये क्या है, ये वेज है, ये फंसी है, बहुत ही सुंदर। इसमें मसाला नहीं है, सिर्फ कोकोनट और हरी मिर्च है। ये भी यहाँ की खासियत है, गोवा में ज़्यादातर लोग कोकोनट यूज़ करते हैं। ये है तीसरे, इतनी अच्छी टेस्ट है ना कि मतलब ये खाऊँ क्या वो खाऊँ ऐसा मेरा हो रहा है। ये मुशी की मुशी मुशी जो रहती है, नॉनवेज है, इसको आंबट बोलते हैं। एक सूखा चटनी जैसा है। अब बारी आती है क्रैब की। सभी फ्रेश है। गुलाब जाम का तो अभी हाथ नहीं लगेगा, लास्ट ये किशमोर है, ट्राई करते हैं। इसमें छोटा छोटा झींगा है। कारवार का टेस्टी सफर में मैंने आपको बांगड़े की किशमोर दिखाई थी, लेकिन ये है
छोटे छोटे जो प्रॉन्स आते हैं उसकी आप इसे छोटे प्रॉन्स का सलाद भी बोल सकते हैं। और अब बारी आई है सोल कड़ी की। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोल कड़ी रहती है, किसी में नारियल रहता है, किसी में कोकम रहता है। बाजू में जो चिकन की थाली है, चिकन काफ़ी अलग, वो मैं ट्राई करने वाली हूँ। ये ग्रीन मसाला है, लाजवाब। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज है, सलाद में ककड़ी है, गाजर है, ऑनियन है। मुझे सामने ना जो वेज थाली मैंने मंगाई थी वो दिख रही है। इसमें सब्जी है, दाल है, दही है, कोशिमिर है, सलाद है, सोलकड़ी है, गुलाब जामुन है, पापड़ है, चपाती और राइस। ये सब खाने के बाद मैं आपको एंड में इतना ही बताऊंगी कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अब यहाँ आके मतलब फूड्स ईद में आके आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही अलग अलग रिव्यूज़ आपके सामने लेके आने वाली हूँ, तो ज़रूर देखती रहिए टेस्टी सफर।